हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में? मैं भी बढ़िया हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ना मेरी बड़ी जेठ और जेठानी, उनकी बेटी, सारे लोग आएंगे। कब? 12 बजे तक आ जाएंगे। और मैं उनके लिए अभी खाना बना कर आ गई हूँ, और थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। मैं ना आप लोगों से कल कुछ नहीं बात नहीं कर सक नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो वक्त है आने में उनकी। वो तो आएंगे थोड़ी देर बाद, मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, इसलिए मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने। और नहीं, आप लोग कैसे हो मुझे बताना, कमेंट कर। वो सब आएंगे तो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन आए हैं। वो तो आएंगे, मेरे जेठ जेठानी और उनकी बेटी, तीन बेटियाँ। उनका तो बेटा नहीं है। आने के बाद वो क्या क्या कर रही है, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। मैं जो उनके लिए आज नाश्ता नहीं, खाना बनाया है, मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं जल्दी में थी। 12 बजे तक वो तो आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूँगी तो वो आने के बाद उनसे थोड़ा बात भी करूँगी ना, नहीं तो बुरा मान जाएंगे कि छोटी, क्या छोटी है ना, छोटी हूँ ना मैं उनसे। वो तो मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैं आई तो मैं वो क्या मेरी क्या छोटी देवरानी मुझसे बात नहीं किया, इसलिए मैं जल्द जल्द में सारी काम निपटा लिया। और मैं वो आने के बाद खाना खाएंगे, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वो तो आ गए हैं, सॉरी आ जाएंगे अभी। आने के बाद मैं आप लोगों को सब कुछ भी दिखाऊंगी। उनकी बेटी है, जो बेटी है वो तो बड़ी बेटी है, शादी बड़ी बेटी का शादी हो गई है। और 2 नंबर और लास्ट वाले 3 नंबर वाला, वो तो उनका तो शादी अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगी, अभी आ जाएंगे। और मुका से कथा होनी जो पार्टी बंद करी अच्छी मेरे सब लोग आ गए हैं। मेरे जेठ, बड़े जेठ जेठानी, उनके बेटी, उनके पोते, सब लोग आ गए हैं। मैं थोड़ा सा इतना आस्ते बात कर रही हूँ, समझ गए। देखो मेरे जेठ आ गए हैं, अभी सब लोग खा के उठ गए हैं। अभी मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। मैं आज बनाया था चावल दाल और सब्जी, मिक्स सब्जी, टमाटर की खट्टा और साग। हमारे यहाँ मिलते हैं कोसला साग, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। जेठ की बेटी उसके बेटे को खिला रही है, वो तो धूमधाम कर खा रहे हैं। देखो कि
वो तो नहीं खा रही है इसलिए उसे घुमा घुमा कर खिला रही है, तब भी वो नहीं खा रही है। देखो मेरी जेठ की बेटी है जो का दो नंबर की बेटी है, वो साइकिल चला रही है बड़ा वाला, कुछ चाहती है चलाने के लिए। देखो किस तरह से देखो, और अभी मेरे नाती पोता है और खेल रही है श्रीनो की गाड़ी में, गाड़ी सॉरी गाड़ी से। देखो अभी मेरा पोता ये देखो, सब लोग खड़े हुए थे, मेरे भांजा ऊपर गए हैं घर के ऊपर एजबेस्ट के ऊपर, सीम जो झट्टा या सीम हो क्या लोग आप लोग क्या बोलते हो, हमारे यहाँ तो सीम भी बोलते हैं, सिम्बो बोलते हैं। मैं तो नीचे से ये सारा देखो, ये सारा है सीम का पेड़ पौधा, मैं नीचे से जो पास में था उसे सब निकाल लिया जो हो गया था, और मेरी जो ननंद के बेटा है भंजा वो गए है ऊपर लाने के लिए, वो ढूंढ रही है। एक इतना घूम घूम कर निकल रही है, ऊपर दिख रही हो, देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ लोगों को कैसे ढूंढ रही हो। देखो हम सब जा रहे हैं बगीचे में पालक का साग लाने के लिए, किस तरह से हम सब लोग आ गए हैं बगीचे में खेल कर। देखो हम तो पालक का साग बगीचे हम लोगों को दिखाया था, देखो किस तरह से यहाँ भी एक सीम का पौधा है, यहाँ भी देखो कितना सारा जंगल, मेरे पालक का खेत देखो, करेला भी हुआ है। मैं थोड़ा वॉइस नीचे कर रही हूँ क्योंकि बाहर में हूँ तो इसलिए ज़्यादा टोन में नहीं बात कर सकती, वॉइस नहीं दे सकती, इसलिए ये देखो मैं इतना सारा लाया हूँ, मैं और मेरी जेठानी, जेठानी देखो मेरे पालक साग को निकाल रही है। यहाँ देखो मेरे के पड़ोस की बेटी और उसकी बेटी खड़े खड़े हुए, देखो मैं अभी लाई हूँ सिम्बो हमारे यहाँ बोलते हैं, और ये पालक का साग, और ये क्या हरी मिर्च देखो, अभी भी आई हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ कितना देखो कितना सारा बर्तन पड़ा हुआ है, और जो साफ करने के लिए मैं अभी जा रही हूँ। कपड़े भी सब सूख गए हैं, मैं अभी उसे भी लाऊंगी बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। अभी तो मेरी जेठ बड़ी जेठ और जेठानी हम सारी लोग चले गए हैं, ननंद गए थे मकर संक्रांति को, मैंने आप लोगों को बताया था, और कल आए थे क्योंकि बड़ा भाई है ना वो तो बाहर रहती है, आए वो यहाँ रुके थे 7-8 दिन रुके थे, ननंद नहीं यहाँ पर आए थे क्योंकि उनकी जो क्या जेठानी ननंद की जेठानी उनकी बहनों की डेथ हो गई थी, वो गए थे उनके यहाँ, इसलिए वो तो ससुराल में रह गए थे, और काल आए थे उनके जेठानी आने के बाद, वो काल आए थे मेरे हस्बैंड गए थे लाने के लिए उन्हें, और आज मेरे
जेठानी चले गए हैं, नानंद रुके हैं यहाँ, वो शायद सोमवार को जाएंगे। मेरे जेठानी क्यों आए थे आप लोगों को तो पता होगा, मैंने बोला था ना मेरे देवर की बेटी जो मेरी भतीजी में आप लोगों को दिखाया था उसकी शादी थी ना, इसलिए सारे लोग यहाँ आए थे पुरी में। मैं भी तो घूमने गया था उनके साथ, शादी में भी गया था, आप लोगों को दिखाया था। और पुरी भी हम कब से गए थे, गुरुवार बुधवार को गए थे पुरी। सी बीच भी आप लोगों से शेयर किया है, आप लोग देख लेना। और शादी तो ख़त्म हो गई है, उसकी रिसेप्शन भी ख़त्म हो गई है। वहाँ तो आए थे इसलिए हमारे यहाँ भी रुक गए। वो तो उनका तो टाउन में जो देवर की घर है ना, वो तो छोटा है, इसलिए वो जेठानी वहाँ नहीं रुके थे, हमारे यहाँ आ गए थे और 8 दिन में यहाँ रुके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं तो हमेशा अकेली ही रहती हूँ, यही तो मेरा बहुत दुख है क्योंकि मैं हमेशा ही अकेली रह जाती हूँ। काम के बाद तो क्या करूँ, कुछ तो भी नहीं है, जो भी करूँ खाना खाने के बाद तो मेरा मन ही नहीं होता कुछ काम करने के लिए। कोई होता तो उनसे बात कर लेती थी, कोई भी तो नहीं, किससे बात करूँ। बहुत अच्छा लगता था लेकिन आज उन सब लोग चले गए हैं इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रो भी उनके सामने तो मैं रो पड़ी थी जब गए थे वो लोग, मैं तो वीडियो शूट किया है लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया क्योंकि शूट नहीं कर पाई, मैं तो रो रही थी। अभी तो लोग सब लोग चले गए हैं, ननंद है लेकिन हम क्या दूसरे रूम में बैठे हैं। मैं आ गई आप लोगों से थोड़ा बात करने, मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ इसलिए आ गई। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं आज तो कुछ भी रेसिपी नहीं, रेसिपी तो बनाया था उनके लिए सुबह वो 7 बजे, 8 बजे था उनका ट्रेन, वो तो चले गए हैं इसलिए उनके लिए कुछ नाश्ता ज़्यादा नहीं बना था, थोड़ा सा फूलगोभी की पकौड़े बनाए थे, वो लोग वहीं खा के चले गए हैं। उनके लिए चाय पकौड़ी बनाया था, चले गए हैं और हम लोग नाश्ता किए, खाना खाए, सारे काम मेरा ख़त्म हो गई है। मैं भी बस बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और क्या बोलूँ, कुछ भी तो नहीं है बोलने के लिए। मैं क्या थोड़ा रेसिपी भी बना सकती, बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी बनाई थी लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। फूलगोभी का खुरमा बनाया था, मैं आप लोगों से कभी शेयर करूँगी, बहुत चीज़ रह गई है शेयर करने के लिए लेकिन अभी तक तो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आप लोगों से। फूलगोभी की खुरमा बनवाया था और फूलगोभी की मिक्स सॉरी ग्रेवी की करी बनाई थी लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अभी तो आज तो मैंने कुछ भी रेसिपी भी रिकॉर्ड नहीं किया है, आज इतना सा ही वीडियो सिर्फ बात करने का। अभी मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ क्योंकि और कुछ बात ही नहीं है बात करने के लिए। मैं तो कल नहीं परसों तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि वक्त भी नहीं मिला, मैं गया था सी बीच पर और आने के वक्त तो 11-12 बज गए थे, कुछ भी मन नहीं किया, कुछ भी अपलोड करो एडिटिंग करो कुछ भी करने को मन नहीं किया इसलिए मैं कुछ भी नहीं अपलोड किया था। और मैं तो आज आप लोगों से बात कर लिया तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझसे मैं तो किससे बात करूँ, कोई भी तो घर पे नहीं है ना, हमेशा अकेली रह जाती हूँ। और आज मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। देखो मेरा थायराइड है ना कितना ज़्यादा बढ़ गई है, मैं थायराइड की मेडिसिन भी नहीं खा रही हूँ अभी।
आप लोग मुझे याद है, आप लोग तो बोलोगे कितना मोटा है वो, हेल्दी है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा तो नया चैनल है ना। मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि मेरा चैनल कभी कब ग्रो करेगी, कब मेरा 1,000 सब्सक्राइबर होंगे, उनको वो तो भगवान भी पता है। और आप लोगों की हेल्प तो ज़रूर चाहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल का आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लेना, क्यों ताकि मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।